और चलिए बात करते हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की, जिन्होंने एक इंटरव्यू के जरिए, साक्षात्कार के जरिए अपनी तमाम बातें हैं वो खुलकर सामने रखी हैं। राष्ट्रपति भवन की पारी खत्म होने के बाद पहली बार प्रणब मुखर्जी ने खुलकर एक बातचीत की। एक साक्षात्कार में प्रणब मुखर्जी ने 2014 में कांग्रेस की हार, जीएसटी, नोटबंदी जैसे कई मुद्दों पर अपने विचारों को रखा। उन्होंने मनमोहन सिंह को पीएम बनाने के सोनिया गांधी के फैसले को सही बताया। राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद दिए अपने पहले इंटरव्यू में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कई बड़ी बातें कही हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि सोनिया गांधी का मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय बेस्ट चॉइस था। राष्ट्रपति भवन से विदाई के बाद पहली बार किसी निजी चैनल को विशेष बातचीत में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने साल 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार से लेकर जीएसटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अपने रिश्तों को लेकर भी अपने विचार रखे हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाए जाने के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि उस समय मनमोहन को प्रधानमंत्री बनना सोनिया गांधी की सबसे सही पसंद थी। इसके साथ ही प्रणब मुखर्जी ने माना कि सीटों की गड़बड़ी और गठबंधन में कमजोरी कहीं न कहीं यूपीए सरकार की आम चुनाव में बड़ी हार की वजह बनी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार को लेकर प्रणब मुखर्जी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि 132 साल पुरानी पार्टी फिर से सत्ता नहीं संभाल सकती है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम, जीएसटी और अर्थव्यवस्था में हुई गिरावट को लेकर मोदी सरकार की आलोचना और जनता के गुस्से पर अपनी राय देते हुए प्रणब मुखर्जी ने पैनिक पैदा न किए जाने और ज्यादा बदलाव नहीं करने की नसीहत दी। प्रधानमंत्री न बनने को लेकर अपनी बात रखते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बताया कि कहीं न कहीं उसकी वजह ये थी कि मैं ज्यादा समय से राज्यसभा का सदस्य रहा। केवल मैंने 2004 में ही लोकसभा सीट जीती थी। मैं हिंदी भी अच्छी तरीके से नहीं जानता था। ऐसे में किसी हिंदी नहीं जानने वाले को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था। दरअसल कांग्रेस के अंदर हमेशा से ये चर्चाएं आम रही कि तमाम काबिलियत के बावजूद प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री पद का मौका नहीं मिला और इसको लेकर अब खुद प्रणब मुखर्जी ने स्थिति साफ कर दी है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।